करता है पीहर। कविता में जाना मेरे लिए पीहर जाने जैसा है। कविता में जाना मेरे लिए पीहर जाने जैसा है। मुकाम पर पहुंचते ही लिवाने आ जाते हैं शब्द। मुकाम पर पहुंचते ही लिवाने आ जाते हैं शब्द। दिमाग का सारा जरूरी गैर जरूरी सामान रख देते हैं कल्पना की गाड़ी में। दिमाग का सारा जरूरी गैर जरूरी सामान रख देते हैं कल्पना की गाड़ी में। घूमती हूँ मन की सकरी चौड़ी सड़कों पर। घूमती हूँ मन की सकरी चौड़ी सड़कों पर। दरवाजे पर खड़ी होती है हंसती मुस्कुराती कविता। दरवाजे पर खड़ी होती है हंसती मुस्कुराती कविता। वह माँ होती है मेरे लिए। दरवाजे पर खड़ी होती है हंसती मुस्कुराती कविता। वह माँ होती है मेरे लिए। जब लौटती हूँ तो सारे गैर जरूरी सामान का संपादन कर छोड़ने आते हैं पिता की तरह विराम चिन्ह। जब लौटती हूँ तो सारे गैर जरूरी सामान का संपादन कर छोड़ने आते हैं पिता की तरह विराम चिन्ह। कविता के घर से इस तरह लौट आती हूँ। कविता के घर से इस तरह लौट आती हूँ जैसे लौटती है लड़कियाँ मायके से बहुत कुछ लेकर। जैसे लौटती है लड़कियाँ मायके से बहुत कुछ लेकर। अगली कविता रखने जा रही हूँ, यह समझदार लड़कियाँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरी पहली किताब जो है शहर की छोटी सी छत पर, उसमें एक कविता आई थी। इस कविता का मराठी पंजाबी में अनुवाद हुआ। इस कविता का दिल्ली के नुक्कड़ नाटक में मंचन भी हुआ। कविता है समझदार लड़कियाँ। समझदार लड़कियाँ बचपन से होती है समझदार। समझदार लड़कियाँ बचपन से होती है समझदार। वे पैदा होते ही हो जाती है बड़ी। समझदार लड़कियाँ बचपन से होती है समझदार। वे पैदा होते ही हो जाती है बड़ी। उन्हें जताया जाता है बार बार तुम समझदार हो। उन्हें जताया जाता है बार बार तुम समझदार हो। और वे समझदारी दिखाने की कोशिश में मजबूरन मानती रहती हैं दिगर बातें जो निकलती हैं दिमाग से। और वे समझदारी दिखाने की कोशिश में मजबूरन मानती रहती हैं दिगर बातें जो निकलती है दिमाग से। और दबोचती रहती हैं अपनी इच्छाएं उनके माँ बाप कभी नहीं देखते उनके आंसू। सहेलियों को भी नहीं बताती मन की बात। वे नहीं मचलती खिलौनों के लिए चूड़ियों परांदों के लिए। वे कभी नहीं मचलती खिलौनों के लिए चूड़ियों परांदों के लिए। वे नहीं करती प्रेम और कर भी ले तो दफना देती है दिल के तहखाने में। वे आजन भुगतती है समझदारी। ये कविता एक आ रही है खतरनाक। कविता का शीर्षक है। आपको क्या लगता है कि क्या चीज खतरनाक ज्यादा होती है? देखिएगा, एक महिला के लिए एक स्त्री के लिए खतरनाक क्या हो सकता है? कविता का शीर्षक है खतरनाक। काली खामोश रात केवल घड़ी की टिक टिक। सन्नाटे को तोड़ता झिंगूर। सड़क से गुजरती किसी गाड़ी का हॉर्न। काली खामोश रात केवल घड़ी की टिक टिक। सन्नाटे को तोड़ता झिंगूर। सड़क से गुजरती किसी गाड़ी का हॉर्न या रेल की धड़धड़ाहट। या रेल की धड़धड़ाहट और पंखे की आवाज। सब नींद में बस दो आंखें टापती हुई। छत पर नजर आती छिपकली। काली खामोश रात केवल घड़ी की टिक टिक। सन्नाटे को तोड़ता झिंगूर। सड़क से गुजरती किसी गाड़ी का हॉर्न या रेल की धड़धड़ाहट और पंखे की आवाज। सब नींद में और बस दो आंखें टापती हुई
छत पर नजर आती छिपकली। लेकिन ये इतना खौफनाक नहीं है, लेकिन ये इतना खौफनाक नहीं है, खतरा तो तब मंडराता है जब पढ़ने लगती है औरत कोई किताब। लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है, खतरा तो तब मंडराता है जब पढ़ने लगती है कोई औरत एक किताब। किताब के शब्दों में वो भूल जाती है अपना नाता आसपास की दुनिया से। किताब के शब्दों में वो भूल जाती है अपना नाता आसपास की दुनिया से। अंधेरा, अकेलापन, घुटन, चुप्पी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरा, अकेलापन, घुटन, चुप्पी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सतर्क तो वो तब होती है जब किसी के साथ कविता बांटना चाहती है। सतर्क तो वो तब होती है जब किसी के साथ कविता बांटना चाहती है। पौराणिक कथा है वामन अवतार की। विष्णु के 10 अवतार है, उसमें एक वामन अवतार है जिसमें बटुक का रूप लिया था। 3 कदमों में दुनिया नाप ली थी। संदर्भ पुराण का है, कविता देखी सार। एक कदम में लांघा माँ का घर, एक कदम में लांघा माँ का घर, दूसरे में पहुंच गई ससुराल। एक कदम में लांघा माँ का घर, दूसरे में पहुंच गई ससुराल। विराट होने की जरूरत ही नहीं रही, विराट होने की जरूरत ही नहीं रही और उसने नाप ली दुनिया। विराट होने की जरूरत ही नहीं रही, उसने नाप ली दुनिया। अब इस तीसरा कदम रखने के लिए उसे छोड़ना होगा संसार। अब तीसरा कदम रखने के लिए उसे छोड़ना होगा संसार। सार। एक कदम में लांघा माँ का घर, दूसरे में पहुंच गई ससुराल। एक कदम में लांघा माँ का घर, दूसरे में पहुंच गई ससुराल। इस बोने से जीवन का इतना ही रहा सार, इस बोने से जीवन का इतना ही रहा सार। विराट होने की जरूरत ही नहीं रही और उसने नाप ली दुनिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए छोड़ना होगा संसार। अब तीसरा कदम रखने के लिए छोड़ना होगा संसार। आपसे कोई भी पूछता है कि कैसे हो, तो हम एक उत्तर देते हैं, अच्छे हैं। बस पूछने वाले की इच्छा रहती है कि आप उसे कुछ बहुत डिटेल में बताएं, ना आपकी इच्छा रहती है कि आप उसे बहुत डिटेल में कुछ बताएं। यहाँ जो कविता की नायिका है उससे पूछा जाता है तो वो क्या जवाब देती है, कविता है हंसी। हंसी। उससे पूछा जाता है कैसी हो आजकल, उससे पूछा जाता है कैसी हो आजकल, वो ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाती। उससे पूछा जाता है कैसी हो आजकल, वो ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाती, सोच में पड़ जाती है। उससे पूछा जाता है कैसी हो आजकल, वो ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाती, सोच में पड़ जाती है। लगता है सच कह दे, लगता है सच कह दे, फिर सोचती है इस प्रश्न का कोई मानक उत्तर ही दे दे। लगता है सच कह दे, फिर लगता है इस प्रश्न का कोई मानक उत्तर ही दे दे। वो सच बताना चाहती है, वो सच बताना चाहती है कि तभी दूसरा सवाल दाग दिया जाता है। वो सच बताना चाहती है कि तभी दूसरा सवाल दाग दिया जाता है, फिर तीसरा, चौथा। उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता, उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता, वो हंस देती है। उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता, वो हंस देती है। पूछते हैं उससे इसमें हंसने की क्या बात है, पूछते हैं उससे इसमें हंसने की क्या बात है। हाँ, हंसने वाली तो कोई बात नहीं, हाँ हंसने वाली तो कोई बात नहीं, दरअसल वो रोना चाहती है। हाँ हंसने वाली तो कोई बात नहीं, दरअसल वो रोना चाहती है। हालांकि हालांकि जब जब वो रोना चाहती है हंस देती है, हालांकि जब जब वो रोना चाहती है हंस देती है। और सब कहते हैं वो हंसती बहुत है, और सब कहते हैं वो हंसती बहुत है। मुंबई में दंगे हुए थे तो मुझे तब ये कविता आई थी मेरे दिमाग में,
कि बहुत उम्मीद के साथ में व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और बड़ी उम्मीद होती है कि वो घर लौट भी आएगा, पर किसी दिन ऐसा होता है कि वो लौटता नहीं है। कविता जूतों की तरफ से है, कविता का शीर्षक है जूते। ये कविता भी दृश्य इसमें है, जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा। कविता का शीर्षक जूते। चलो घर की तरफ चले तेज कदमों से, चलो घर की तरफ चले तेज कदमों से, मैं नहीं उतरना चाहता, नहीं छिटकना चाहता बीच बाजार तुमसे। चलो घर की तरफ चले तेज कदमों से, मैं नहीं उतरना चाहता, नहीं छिटकना चाहता बीच बाजार तुमसे। घर की ड्योड़ी से करके आया था मैं वादा तुम्हारे साथ लौटने का, घर की ड्योड़ी से लेकर आया था वादा तुम्हारे साथ लौटने का। पर इन दिनों घर पहुंचने की हड़बड़ी हो जाती है, जाने कब कहां गड़बड़ हो जाए। पर इन दिनों घर पहुंचने की हड़बड़ी हो जाती है, जाने कब कहां गड़बड़ हो जाए। उधर राह देखे तुम्हारा बेटा कि आज तो बैठ ही जाएंगे उसके कदम मुझ में फिटम फाट। उधर राह देखे तुम्हारा बेटा कि आज तो बैठ ही जाएंगे उसके कदम मुझ में फिटम फाट। और हम न लौट पाए तो हो सकता है शिनाख्त भी न हो पाए सैकड़ों हजारों में, हो सकता है शिनाख्त भी न हो पाए सैकड़ों हजारों में। फिर कौन भरोसा करेगा हम पर कि कदमों को ले जाने वाले शाम ढले घर भी ले आते हैं, कि कदमों को ले जाने वाले शाम ढले घर ले भी आते हैं।